इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर में करते हो तो वहाँ पे एक्सपोर्ट के टाइम में आपको एक बिटरेट का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस बिटरेट को अगर आप इंक्रीज करते हो या फिर हाई कर लेते हो तो आपका जो वीडियो का साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो। और अगर मैं इस बिटरेट को लो रखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है साइज में वीडियो का। और अगर आप इस बिटरेट को हाई करके भी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो वीडियो का क्वालिटी होता है उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप रिजोल्यूशन को भी चेंज करके अच्छे रिजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो और साथ ही आप FPS को भी 60 करके वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो भी वहाँ पे वीडियो का जो क्वालिटी होता है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है वीडियो क्वालिटी में। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में काइन मास्टर में वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम क्या बेस्ट सेटिंग होना चाहिए आपके लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करना है बिना किसी स्टेप को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बता दूं, वीडियो एडिटिंग करते टाइम काइन मास्टर में आपको ज्यादा लेयर ऐड नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आपको अननेसेसरी या फिर एक्स्ट्रा लेयर ऐड नहीं करना है एडिटिंग के टाइम में। मतलब आपको अपने वीडियो को पूरा सिंपल एडिटिंग करना है अगर आप वीडियो को पूरा कम साइज में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक्स्ट्रा चीजें जैसे लेयर वगैरह को आपको कम ऐड करके रखना है। उसके बाद चलते हैं वीडियो एक्सपोर्ट सेटिंग में। अब यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम यहाँ पे आपके लिए क्या क्या रिजोल्यूशन, क्या फ्रेम रेट, क्या बिट रेट होना चाहिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आप किस रिजोल्यूशन, किस FPS, किस बिट रेट में आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपने किस क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड किया है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ़ोन के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे आपने किस रिजोल्यूशन, किस FPS, किस फ्रेम रेट में आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो आपको अपने फ़ोन के कैमरे के सेटिंग में देख लेना है। या फिर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो रिकॉर्ड किए हो तो सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग में जाके देख लेना है आपका वीडियो का क्या रिजोल्यूशन है जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सिंपली आपको सबसे पहले चेक कर लेना है आप किस रिजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, किस फ्रेम रेट में वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अब उसी अकॉर्डिंग आप काइन मास्टर में वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बिट रेट को आप सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसका जो रिजोल्यूशन है 1080 पिक्सल में आपने वीडियो रिकॉर्ड किया और साथ ही आपका जो फ्रेम रेट है वो आपने 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए जो बिट रेट होना चाहिए वो 8 Mbps के आसपास होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में आप बिट रेट को 8 या फिर 8.5 Mbps रख सकते हो। या फिर आपने सेम रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल के साथ आपने 60 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड किया तो अब आपका जो बिट रेट होना चाहिए वो 12 Mbps के अराउंड होना चाहिए, 12 या 12.5 Mbps बिट रेट को आप रख सकते हो। इसी तरह अगर आपने 720 पिक्सल में वीडियो को रिकॉर्ड किया है 60 FPS के साथ तो यहाँ पे आपका जो बिट रेट होना चाहिए 7 Mbps या फिर 7.5 Mbps के बीच में आप रख सकते हो बिट रेट को। या फिर अगर आपने 30 FPS में सेम रिजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे जो बिट रेट होना चाहिए 5 Mbps या फिर 0.5 Mbps आपको बिट रेट को रखना होगा। तो इस तरह से आप बिट रेट को सेट रख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपने किस रिजोल्यूशन में अपने वीडियो को रिकॉर्ड किया है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बिट रेट को सेट कर सकते हो एक्सपोर्ट करते टाइम। यहाँ पे मैं आपको कुछ लिस्ट दे देता हूँ अलग अलग रिजोल्यूशन में क्या बिट रेट होना चाहिए, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। अलग अलग रिजोल्यूशन फ्रेम रेट में क्या बिट रेट होना चाहिए आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। तो उसी टाइम वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम क्या बिट रेट होना चाहिए वीडियो का वो आप सेट कर सकते हो। और अगर आपके काइन मास्टर में एक्सपोर्ट करते टाइम फ्रेम रेट 60 FPS शो नहीं हो रहा है तो सिंपली आप 60 FPS को कैसे अनलॉक कर सकते हो इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। यहाँ पे अगर आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो आपका वीडियो का रिजोल्यूशन होना चाहिए वो 1080 पिक्सल होना चाहिए और FPS जो है आपको 60 करके रखना है, वो चाहे आप किसी भी रिजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड करो मगर यहाँ पे आपको फ्रेम रेट को 60 FPS करके रखना है। इससे आपका जो वीडियो होगा वो स्मूथनेस होगा और बिट रेट को उसी अकॉर्डिंग आपको सेट करना है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है जिस भी रिजोल्यूशन में तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते टाइम आपको रिजोल्यूशन को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको FPS को 60 कर लेना है और फिर उसी अकॉर्डिंग आपको बिट रेट को सेट कर लेना है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। मान लीजिए आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है 1080 पिक्सल रिजोल्यूशन में और आपने रिजोल्यूशन को बढ़ाकर 1440 पिक्सल में एक्सपोर्ट किया तो आपका जो वीडियो का क्वालिटी हो सकता है थोड़ा खराब हो सकता है या फिर आपका क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपने जो भी रिजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड किया है सिंपली आपको यहाँ पे उसी रिजोल्यूशन को रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको FPS को 60 कर लेना है और 1080 पिक्सल में आपको जो बिट रेट रखना है वो 12 या 12.5 Mbps आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको वीडियो को सेव करके एक्सपोर्ट कर लेना है, इससे आपका जो वीडियो का क्वालिटी होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका जो वीडियो होगा 60 FPS से वो स्मूथ हो जाएगा। तो इन कुछ सेटिंग्स को आपको ध्यान में रखना है एक्सपोर्ट करते टाइम। अब सिंपली यहाँ पे अगर आपके काइन मास्टर में एक्सपोर्ट करते टाइम 60 FPS शो नहीं हो रहा है तो सिंपली आप उसे कैसे अनलॉक कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। काइन मास्टर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पे आपको एडवांस के सेक्शन में एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे 60 FPS को इनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको इसको इनेबल कर लेना है अगर आपका यहाँ पे डिसेबल है 60 FPS। तो काइन मास्टर में वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम कुछ इन सेटिंग्स को आपको ध्यान में रखना है।
क्या रिजोल्यूशन, क्या बिटरेट, क्या फ्रेम रेट होना चाहिए, जो कि क्या सेटिंग्स होना चाहिए एक्सपोर्ट करते टाइम, मैंने आपको सारी चीजें वीडियो में बता दिया। आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि काइन मास्टर में वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम क्या सेटिंग्स रखना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।